गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दिन है सुबह का, सुबह बज रहा है 11:30 और हम लोग का घर का एक्चुअली सारा काम हम लोग का हो चुका है। हम लोग नाश्ता वास्ता जैसे होता है सुबह का, नाश्ता पानी कर चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली बप्पा को घर लाने। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम लोग आज जा रहे हैं बप्पा को घर लाने, वो पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिलहाल मायक यहाँ पे खेल रहा है और मैं दिखा दे रही हूँ। और डेकोरेशन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। मैं दिखा रही हूँ मयंक क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? ट्रेन खेल रहे हैं। अच्छा, वो ट्रेन के साथ मयंक खेल रहा है। और चलिए घर का डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रूम का। और ये रहे शेखर जी, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, और ये चल रहा है गणेश जी का डेकोरेशन, गणेश चतुर्थी का हम लोगों का डेकोरेशन चल रहा है। ये हाथ में आप क्या ले लिए हो मयंक? ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का, दूर से थोड़ा दिखा दो व्यूअर्स को, ये लगेगा। और ये हम लोगों का गुरु जी का सामने ये लग रहा है। पूरा डेकोरेशन शेखर जी कर रहे हैं। अभी चल रहा है डेकोरेशन का काम, जोर शोर से चल रहा है। मैं सोच रही हूँ ना, मैं थोड़ा मेहंदी लगा लूँ, आज काम बहुत ज्यादा है। और हाँ, आज बप्पा को लाने के बाद मुख दर्शन आप लोगों को कल कराएंगे। और कल पंडित जी अभी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। वो बोले हैं मुहूर्त का हिसाब से कल बहुत सारा काम है, तो मुझे एक्चुअली अगर टाइम मिल गया आज तो मेहंदी मैं आज लगाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। और जैसे जैसे जो जो हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और बप्पा को जब लाने जाऊंगी, फाइनली मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर बप्पा को लाने जाऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं, टाइम फॉर वेलकम टू बप्पा। चलिए, इट्स टाइम टू गो और बप्पा को लाने जा रहे तो पूरा ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे फाइनली बप्पा हमारे घर आ चुके हैं। और हम लोग तीनों जन गए थे बप्पा को लाने, मैं, शेखर जी और मयंक। और यहाँ पे मैं बप्पा का आरती कर रही हूँ। हम लोग सब बड़ा एक्साइटेड है, लेकिन कल आप लोगों को मुख दर्शन होगा, आज नहीं। और अभी पापा घर आए हैं तो हम जा रहे हैं अभी किचन में रवा केसरी बनाने। तो मुंह मीठा तो बनता है ना जी, तो अभी मैं जा रही हूँ मुंह मीठा कराने सबका। और आप लोगों का भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द ये ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचे। और बप्पा का आशीर्वाद से सब अच्छे अच्छे हो, जो मनकामना आप लोगों का है बप्पा सबका मनकामना पूरा करे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो चलिए किचन में जल्दी चलते हैं हम लोग किचन में और बनाते हैं रवा केसरी। मैं आ चुकी हूँ किचन में और आते ही मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा केसर। उसको गर्म पानी में मैं थोड़ा सा भिगो के रखूँगी कुछ देरी तक, ताकि केसर का कलर आ जाए।
और ये रवा केसरी बनाना बहुत ही इजी है और झटपट बन जाता है ये। और यहाँ पे मैं मीनवाइल कढ़ाई ले चुकी हूँ, कढ़ाई मेरा थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। एक्चुअली घी ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि मैं ना घी फ्रिज में स्टोर करती हूँ, क्योंकि बहुत ना चींटियाँ पकड़ लेती है घी में बाहर रखने से, तो मैं इसलिए हमेशा घी को फ्रिज में स्टोर करती हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो घी मेरा मेल्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई कर लूँगी, मतलब इसको थोड़ा सा सौते ही करना है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट रोस्टेड होने से ना थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है और कुछ नहीं। आप ऐसे तो नॉर्मली यूज़ कर सकते हो बिना ऐसे रोस्ट किए, लेकिन मैं कर लेती हूँ। अब मैं उसी पैन में डाल दे रही हूँ 1 कप रवा यानी कि सूजी, क्योंकि रवा केसरी बनेगा ना। सूजी को यहाँ पे हम लोगों को ना थोड़ा सा भूनना है, ऐसे आप भूनिएगा कि इसका कलर ना चेंज हो लेकिन खुशबू बहुत बढ़िया आए। देखिए रवा एकदम कलर चेंज नहीं हुआ है लेकिन हल्का हो गया है, इस तरह से हम लोगों को भून लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी डायरेक्टली गर्म पानी, बस इसमें गर्म पानी बहुत अच्छे से डालना है, मतलब 1.5 कप, जिस कप से आप रवा लिए हैं वही कप का 1.5 कप, 1 कप रवा तो 1.5 कप पानी इसमें हमको ऐड करना है, तो मैं वही ऐड की हूँ। और बाय द वे यहाँ पे मैं 1 चम्मच और घी ऐड कर रही हूँ, और ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम में होगा, फ्लेम हाई नहीं कीजिएगा, लो फ्लेम में इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। रवा का कंसिस्टेंसी इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा थिक चाहिए, ऐसा थिक कंसिस्टेंसी रवा का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर। शुगर आप अपना स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। शुगर ऐड करने के बाद शुगर जब मेल्टेड होने लगेगा, इसमें वाटर रिलीज करने लगेगा, तो रवा थिकनेस लूज़ कर देगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा, रवा थिक नहीं रहेगा, तो इसको हमको अच्छे से चलाते हुए थिक करना है। जब ऐसा कंसिस्टेंसी हो जाएगा, देखिए चीनी मिलाने के बाद ऐसा हो गया, इस स्टेज में हम ये केसर का पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, रवा केसरी एक्चुअली बनता है तो ऑरेंज कलर का, क्योंकि उसमें फूड कलर यूज़ किया जाता है। मैं ऑर्गेनिक वे में बना रही हूँ, फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं केसर से ही बना रही हूँ बोल के ऐसा कलर आया है। और इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट सारे ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी मैं गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद मैं फिर से 1 चम्मच और घी ऐड करूंगी, 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल 1/2 कप घी यूज़ की हूँ। जो कप का मैं 1 कप रवा ली थी वही कप का 1/2 कप घी यूज़ की हूँ, और घी बारी बारी में डाल डाल के मैं इसको चला चला के मिला लूँगी। देखिए कितना रिच और कितना थिक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये स्वाद में भी बहुत अच्छा था। चलिए मेरा तो ये रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको लो फ्लेम में ही ऐसे लीड लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी स्टीम्ड होने के लिए। मेरा 20 मिनट हो चुका है, देखिए वाओ पूरा रवा मेरा स्टीम्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं साइड साइड में इसका थोड़ा थोड़ा घी रिलीज कर चुका है। अब इसको थोड़ा सा और रिच लुक देने के लिए जो बचा हुआ घी था मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद इसको लीड लगा के गैस ऑफ करके मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए वाओ लुक लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बाय द वे ये पूरा केसर से बनाया गया बोल के केसर का कलर इसमें आया है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो अब घी चारों ओर मैं मिला दूंगी, और मिलाने के बाद इट्स रेडी टू सर्व। चलिए सर्व करती हूँ। तो एक बोल में मैंने इसको निकाल लिया है पूरा रवा को, अब एक चम्मच का मदद से मैं इसको चारों ओर से प्रेस कर करके एकदम इक्वल इवन कर दूंगी, ताकि जब प्लेट में रखूंगी तो देखने में भी अच्छा लगे। तो इवन कर दूंगी चारों ओर से मैं, देखिए मेरा हो गया है पूरा चारों ओर से इवन हो गया। अब एक प्लेट ले ली हूँ, और ये रवा क्या करूंगी, मैं प्लेट को इसके ऊपर रख के जैसे केक को हम लोग डिमोल्ड नहीं करते हैं उसी तरह से रवा को भी डिमोल्ड करेंगे। कैसे,
ऐसे हम लोग इसको डिमोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह का लुक लगता है रवा केसरी का। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेशन भी तो बनता है, तो मैं जो ड्राई फ्रूट्स बचा ली थी वो मैं इसके ऊपर डालूंगी और थोड़ा सा ये भी डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स में, और थोड़ा सा कटा हुआ बादाम मेरे पास था मैं उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। तो लुक देखिए कितना अच्छा आया है। मैं आपको बोल रही हूँ ये इतना अच्छा और इतना टेस्टी बना था, मतलब आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ ये आपको कितना अच्छा, कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट ये बना था रवा केसरी। ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, झटपट बन जाती है। आप लोग भी दिस गणेश चतुर्थी आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रवा केसरी का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, मेरा रेसिपीज़ पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर मेरा चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग विच इज़ दिस वन न्यू इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।